तेरे होने से है मेरी पहचान, देख तिरंगे को बढ़ता है मेरा मान, ऐ देश मेरे, मेरी आजादी पर मेरे कई जान कुर्बान। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को 75वीं स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अंग्रेजों की जंजीरों में जकड़े इस देश को आजादी आसान नहीं थी, लेकिन ये देश है शूरवीरों का, जिन्होंने हंसते खेलते खुद को कर दिया बलिदान और लहरा दिया आजादी का तिरंगा। उन माँ के वीरों को, उन माँ के शूरवीरों को मेरा प्रणाम दोस्तों। आज की सुबह जब मैं उठा तो ये दिन कुछ खास थी। एक अलग सी ऊर्जा, एक नया सा जुनून, मन में आजादी के गानों के बोल, चेहरों पर एक गुरूर और एक मुस्कुराहट आजादी की। आज देश मेरा रंगा हुआ है तिरंगों में, लोगों का सर गर्व से उठा हुआ है, ये देख के तिरंगा लहरा रहा है। आजादी का दिन हो और हम सरहद पर खड़े अपने जवानों की बात न करें, ऐसा मुमकिन नहीं है। देश का फौजी दिन रात जब जागता है, तभी मुमकिन है कि हम देशवासी आराम से रात की नींद पूरी करते हैं। दोस्तों, आज हमने आजादी के इस पर्व को मनाने के लिए हम जानना चाहेंगे कि हमारे देश का नौजवान जब अपने भविष्य के बारे में सोचता है तो क्या वाकई वो एक बार देश में जो सिपाही सरहद पे खड़ा है, एक बार मन में वो जज्बा लाके वहां पे खड़े होने का भी साहस दिखा पाता है कि नहीं। कई लोग आज डिफेंस में जाना चाहते हैं, हमारे सैन्य बल को और मजबूत करना चाहते हैं, लोग जुड़ना चाहते हैं इससे, लेकिन हम जानना चाहेंगे आखिर इन सैनिकों में वो मनोबल आता कहां से है। डिफेंस की ट्रेनिंग तो कई इंस्टीट्यूट हैं जो आपको दे सकती हैं, जो आपको बता सकती हैं कि आखिर आप एनडीए के लिए प्रिपरेशन कैसे कर सकें, एसएसबी के लिए तैयारी कैसे कर सकें, सीडीएस के लिए कैसे तैयारी कर सकें, लेकिन गोलियों के बौछारों के बीच में घुसने की ट्रेनिंग कहां से आती होगी? मन में जज्बा लाने की ट्रेनिंग कहां से आती होगी? कहां से आती है कि बमों और धुओं के बीच में, आग के बीच में वो घुसने का साहस, वो अदम्य साहस, वो आता कहां से है? इन्हीं बातों को जानने के लिए आज हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है सेवानिवृत्त कर्नल राजवीर यादव जी को। आज हम उनसे जानेंगे कि मन में हर जज्बात को दबाकर सैनिक अपना जज्बा कहां से लाता है, वो ट्रेनिंग कहां से लाता है, वो ट्रेनिंग दी कैसे जाती है, इनमें मन में वो आग पैदा कैसे किया जाता है। तो दोस्तों आइए बात करते हैं कर्नल राजवीर यादव जी के साथ। कर्नल साहब, प्राइम स्टूडियो के करियर काउच के इस प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद कर्नल साहब। मैं जानना चाहूंगा, जैसे हम लोग बात करते हैं, अभी मैं बात कर रहा था कि जवानों में जोश की, जिस जोशो खरोश के साथ वो बिल्कुल जुट जाते हैं देश की सेवा में, एक बार भी नहीं सोचते कि वो एक परिवार पीछे छोड़ के आए हैं, उनके मन में वो सारे जुड़ाव, वो सारी माया मोह वो सब त्याग कर जिस प्रकार से देशभक्ति के उस पर जो कूद पड़ते हैं, बाकी सब ट्रेनिंग तो हो सकती है, ये जज्बे की ट्रेनिंग कहाँ से आती है, ये जानना चाहूंगा आपसे। देखिए शुभंकर जी, ऐसा है कि जो सेना की ट्रेनिंग होती है और सेना का जो एक काम है जवानों का और जो उनके अधिकारी हैं, उनमें ये जज्बा कहाँ से आता है, ये ऐसा है कि बहुत पुरानी जो हम अगर ऐतिहासिक चीज़ देखें तो जो हमारे पूर्वज करके गए हैं, उनके नाम को अपनी देश, अपनी यूनिट के निशान को और तिरंगे को ऊपर रखने का ये जो जज्बा होता है वो कायम रहता है कि वो कभी भी जो है ये नीचे ना जाए। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात ये आती है कि हर आदमी जो है, क्योंकि हमारे पूर्वज जो हमारे जो प्रेडिसेसर हैं आर्मी के अंदर, उन्होंने इतने अच्छे काम किए हैं, अपने बलिदान दिए हैं, चाहे अब्दुल हमीद हों, चाहे जो भी कोई है जिनको शहीद हुए हैं, उन्हीं के शहीदी पर भी जो है, पर ही जो है हमारे देश की स्वतंत्रता अभी तक कायम है। सही बात। तो उस चीज़ को हम हमेशा, जो जवान है फौजी है वो हमेशा वही देखता है कि कभी भी मेरे नाम पे वो दाग ना लगे कि मैंने ऐसा काम नहीं किया जिससे कि उस चीज़ में कमी आई है और वो जो नाम है जो पहले से बने हुए हैं उनमें कोई गिरावट आई है। लेकिन कर्नल साहब, उसके बावजूद एक जवान जब
सरहद पर जब लड़ने जाता है, जब उसको गोलियां की बौछार आती दिखाई देती हैं, जब कोई बम फटता है, तो कहीं ना कहीं उसे एहसास रहता है कि शायद उसकी भी जान जा सकती है। लेकिन उसके बावजूद उसे इन किसी बात की चिंता नहीं होती। तो ये जो डर को काट देने वाला, यहां पे आम इंसान एक इंजेक्शन, एक सुई देख के डर जाता है, आंखें बंद हो जाती हैं, वहां बिल्कुल गोलियों की बौछार में, बमों की विस्फोट में कोई डर नहीं। ये डर कैसे काटते हैं आप लोग? देखिए, सुई का जो आपने एक जिक्र किया है, डर होता है, वो हमको एक एहसास होता है कि सुई अभी लगाने जा रहे हैं, हमें कोई दर्द होगा। लड़ाई के मैदान में जब है, ये जरूर होता है कि गोलियां चल रही हैं, बम फटेंगे। ये भी जरूर एक वो होता है कि शायद मुझको गोली लग जाए, बम का एक टुकड़ा करके मुझको लग जाए, लेकिन वो कब लगेगा ये नहीं मालूम चलता है, ये नहीं मालूम होता है। तो जब भी लगता है वो टुकड़ा, क्योंकि हमको पहले से उसका अनुमान है नहीं, तो एक वो डर होता है कि जब लगेगा तो देखेंगे उसको, कोई इसका अनुमान है नहीं। रही बात कि इस डर को कैसे हम भगाते हैं और वो कैसे मन में आता है कि हम जब लड़ाई में जाएंगे तो शायद हमारी मृत्यु हो जाए, हम शहीद हो जाए, देश के काम आए। जी जी, जब एक सिपाही फौज में भर्ती होता है, जब उसकी ट्रेनिंग शुरू होती है उसके सेंटर में, तो एक बेसिक, क्योंकि उसको जो है अगर गांव से आया है एक किसान का बेटा, तो उसने शायद हल पकड़ा होगा, लाठी पकड़ी होगी। जी जी, सेना में आकर के उसको हथियार दिया जाता है और कहता है कि, कहा जाता है कि ये जो है सिर्फ आपकी रक्षा नहीं करेगा, इससे जो है आप देश की रक्षा करेंगे। जी, तो उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस शुरू होता है, बिल्डअप शुरू होता है कि भाई अगर लड़ाई कल होती है, मैं मैदान जंग में जाता हूँ, तो वहां मेरे ऊपर खतरा जरूर है, लेकिन मेरी रक्षा करने के लिए भी काफी चीजें मौजूद हैं। जी, तो एक उसके अंदर एक भरोसा जरूर आ जाता है कि मैं सुरक्षित रहूंगा, असुरक्षित नहीं हूं मैं। फिर उसको लड़ाई के जो है पूरे पैंतरे सिखाए जाते हैं, बताए जाते हैं कि आप अकेले नहीं हो, आपके साथ एक टुकड़ी है। जी, और उस टुकड़ी के साथ जो है कई तरीके से हथियार हैं, हमारे साथ एयरफोर्स का भी ऊपर से हमको सपोर्ट मिलता है, हमारे पास बड़े बड़े आर्टिलरी गन्स हैं, एयर डिफेंस के गन्स हैं। तो एक बताया जाता कि हम किसी मकसद से जा रहे हैं और हम पूरी तरह से लैस हैं। जी, ये अनुमान जरूर होता है कि हमारे ऊपर खतरा हो सकता है और हमको इंजरी हो सकती है, शायद हम शहीद भी हो सकते हैं। जी, लेकिन सबसे बड़ी जो हमारे ऊपर एक भरोसा होता है, ये होता है कि हम अकेले नहीं हैं, निहत्थे नहीं हैं, और हमको जो है अपने हथियार का सही इस्तेमाल करना है, जिससे कि हम अपनी सुरक्षा करेंगे, अपने बाकी सैनिकों की सुरक्षा करेंगे और देश की सुरक्षा करेंगे। जी, दूसरी बात होती है, जिस दिन जो है चाहे ऑफिसर हो चाहे सिपाही हो, जब कसम खाता है फौज में भर्ती होने के लिए, तो उस कसम में एक चीज बताई जाती है कि मैं भारत के राष्ट्रपति द्वारा या उनके द्वारा जो भी हमारे सीनियर अपॉइंट किए गए हैं, उनके आदेशों का मैं पालन करूंगा, चाहे इसमें मुझको अपनी जान क्यों ना देनी पड़े। बहुत खूब। तो ये एक चीज जब उसमें कहता है, तो जो वहां लोग बैठे होते हैं जब इस कसम को सुनते हैं, तो एक बार सबके आंखों में जरूर आंसू नम हो जाते हैं, गला भर आता है। जी, यही हकीकत है कि जब मैदान जंग में जाता है तो उसको कसम याद आती है। जी, कि जी, आज जो है मुझको जो है देश ने बुलाया है। जी, मुझको इसकी जरूरत पड़ी है और मुझको पीछे नहीं हटना है। हमारे जो पुरखे करके गए हैं, जिनकी बदौलत आज हमारा देश इतना सुरक्षित है, कहीं मेरे नाम पे धब्बा ना लग जाए। रणल साहब, ये तो बात थी जज्बे की, अब कुछ बात करते हैं ट्रेनिंग की। सर, आप कमीशन्ड हुए 80 के दशक में, आपने उस दौरान का भी ट्रेनिंग देखा है और आज के दौरान में भी आपने देखा है कि किस प्रकार से जो नए टेक्नोलॉजीज आई हैं उसको हम लोगों ने कैसे अपने आप में सम्मिलित किया है, तो क्या बदलाव आप देख रहे हैं? किस प्रकार से हमारी जो एडवांसमेंट है, जितने जो टेक्नोलॉजी हमने एडवांस की है, जो दूसरे देशों से हमने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर किया है, तो आज और पहले के दिनों में जो ट्रेनिंग सेशंस होते थे उसमें आप क्या बदलाव देखते हैं? देखिए, उस समय जमाने में जब हम लोग थे 1980 के टाइम में, इनफैक्ट हमारी ट्रेनिंग शुरू हुई थी 1977 से, जब मैं एनडीए गया था 1977 से,
उसमें जो तकनीकी थी, मतलब कि एक छोटी सी चीज़ ले लें तो टेलीफोन करने के लिए भी जो है हमारे पास साधन नहीं थे कि हम एक जगह दूसरा टेलीफोन कर सकें। उसी तरीके से जो हथियार उस समय थे वो सारे सिंगल शॉट फायर होते थे, फिर सेमी ऑटोमेटिक आए, फिर ऑटोमेटिक आए। गन्स थी कि जो हमारी छोटी रेंज की थी उनकी रेंज बढ़ी, उनके बढ़े जी, उनके जो एम्युनिशन थे उनकी कैटेगरी बढ़ते गए जी, यहाँ तक कि अब लेजर गाइडेड एम्युनिशन आ गए हैं जो हमने कारगिल वॉर में देखा था और जो अभी बालाकोट स्ट्राइक में देखा था जी, हमने जी, कि एक बार जब बॉम्ब को हमने लॉन्च कर दिया उसके जो टारगेट हमने फिट कर दिए हैं जी, तो टारगेट को मिस नहीं करेगा वो। तो ऐसी टेक्नोलॉजी जो धीरे 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 बदली होती गई है जी, और उसको जो है हम अपने साथ अपग्रेड करते गए हैं जी, चाहे वो अगर विदेश का एम्युनिशन है, टेक्नोलॉजी है, तो हमारे लोग वहां जाते हैं उनकी ट्रेनिंग करके आते हैं जी, उसके रिपेयर और मेंटेनेंस की भी जो है ट्रेनिंग करते हैं जो हमारे उसके लोग हैं। तो इस तरह का बदलाव आता गया है जी। कर्नल साहब, ये तो बात रही बदलाव की, मैं उसी तरीके से जानना चाहूंगा, क्या बेसिक एजुकेशन जो था, जो एक बार आप एनडीए में शामिल हो गए उसके बाद जिस प्रकार से जो ट्रेनिंग्स इम्पार्ट की जाती हैं, जो थियोरिटिकल्स रहते हैं, उसमें कौन से बदलाव आए? आपको क्या लगता है कि अब जो छात्र हैं, क्या वो पहले से, जब वो काफ़ी लोग पहले से, देखिए बच्चे जब तक इंटर में आते हैं तो मन बना चुके होते हैं कि भाई डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है या डिफेंस में जाना है, किस लाइन को चूज़ करना है, तो उन बच्चों के लिए किस प्रकार का माइंडसेट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? जैसा मैंने पहले बताया कि चीज़ें बदल रही हैं, टेक्नोलॉजी बदल रही है, और हर चीज़ के अंदर जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी काम आ रहा है जी। तो उसी तरीके से जो बेसिक ट्रेनिंग शुरू हुई है एनडीए में, जो कि 3 साल की ट्रेनिंग होती है, और वहाँ पे बेसिक ये होता है क्लास 12th बाद बच्चा जाता है, तो वहाँ पे ग्रेजुएशन भी कराई जाती है जी। तो पहले वहाँ पे 2 स्ट्रीम होती है, साइंस और आर्ट स्ट्रीम होती है, राइट। अब वो फोकस सारा चेंज होकर के सारा साइंस स्ट्रीम हो रहा है, क्योंकि हर चीज़ में जो है अब जो भी देखें तो उसके अंदर जो है कोई ना कोई जो है ऑटोमेशन हो गया है जी। तो वो बदलाव वहाँ पे आ रहा है कि तकरीबन हर चीज़ें जो है साइंटिफिक हो जाए जी, लोग उसमें एडवांस करें, लोगों को मिनिमम इवन जवानों को भी जो है, जब हम बैठे होते हैं बैटल फील्ड में बैठे होते हैं, तो इवन छोटी छोटी जो हमारी टुकड़ियाँ होती हैं वहाँ पे सारी चीज़ें मॉनिटर और ये कंप्यूटर लग गए हैं, जिससे कि हमको बैटल फील्ड की इन्फॉर्मेशन मिलती है। सही बात। उसको हमको अपने जो कमांड सेंटर होता है उसको फीड करना होता है डिसीजन लेने के लिए। तो तकरीबन ये चीज़ें आ रही हैं कि हर किसी को जो है कंप्यूटर सेवी होना चाहिए, बिल्कुल, उसको बेसिक नॉलेज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आनी चाहिए जी। तो ये बदलाव आ रहे हैं जी, और अब कोशिश ये की जा रही है कि तकरीबन जो बच्चा वहाँ से पास आउट होता है वो साइंस ग्रेजुएट हो और वो जाके इंजीनियरिंग की बीटेक की भी डिग्री कर सके जी। जी कर्नल साहब, जब हम ट्रेनिंग की बात करते हैं, मैंने भी बताया कि बच्चों का माइंडसेट कैसा होना चाहिए जिसको कि आर्मी की अगर ट्रेनिंग लेनी है, जो दिश ऑलरेडी अपने आप को डिसाइड कर चुका है, फोकस्ड हो चुका है कि नहीं मुझे आर्मी में ज्वाइन करना है, मैं जानना चाहूँगा कि इतने सारे एंट्री पॉइंट्स हैं, राइट, CDS भी है, NDA के माध्यम से लोग घुसते हैं, SS भी है, आप क्या सजेस्ट करेंगे बच्चों को कि कौन सा रास्ता जो है अख्तियार करना चाहिए जो उनके लिए आसान बैठेगा, या वो बच्चे जरूरी नहीं कि सब सब ऑफिसर्स में ही जा सकते हैं? आपसे मेरी थोड़ी देर पहले चर्चा हो रही थी जिसमें आप बता रहे थे कि जो पद सैनिक हैं, जो सैनिक लोग हैं, उनकी जो भर्ती होती है उसके शायद एजुकेशन रिक्वायरमेंट भी कम है, तो उसकी भर्ती किस प्रकार से होती है, कब होती है, थोड़ा इस पर थोड़ा जी जी बिल्कुल बताऊंगा मैं। सेना में जो है, चाहे आर्मी हो, नेवी, एयरफोर्स हो, तीनों सेनाओं में जो है ऑफिसर्स भी हैं, और उसके अंदर जिनको हम लूजली बोलते हैं जवान बोलते हैं, हालांकि उनको जब आर्मी में आते हैं तो उनको हम बोलते हैं नॉन कमीशनड ऑफिसर्स। तो नॉन कमीशनड ऑफिसर्स एंड ऑफिसर्स 2 कैटेगरी हो जाते हैं। इनकी जो नॉन कमीशन और जो जवान हैं उनकी भर्ती की प्रक्रिया अलग है और ऑफिसर्स की भर्ती की प्रक्रिया अलग है। तो पहले बताना चाहूँगा कि जो जवानों की भर्ती होती है वो कैसे होती है।
जवानों की भर्ती के लिए क्या है कि पूरे देश को एक रिक्रूटिंग, कई रिक्रूटिंग जोन में बांटा गया है। तकरीबन हर स्टेट में एक हमारा जो है डायरेक्टरेट है, जो डायरेक्टर रिक्रूटिंग बोलते हैं, डायरेक्टर रिक्रूटिंग, वो बैठा हुआ है। और तकरीबन मेजर जो जिले हैं उनमें एक आर्मी रिक्रूटिंग ऑफिस बना हुआ है। तो इनकी जो भर्ती की जो एक शेड्यूल है वो आर्मी हेडक्वार्टर जारी करता है कि किस आर्मी रिक्रूटिंग ऑफिस और किस डायरेक्टरेट की भर्ती का शेड्यूल इशू होता है, और वो उन जिलों के लिए फिर इशू होता है कि किस किस जिलों के आदमी जो है इस वहाँ पे आगे भर्ती हो सकते हैं। तो एक तो हो गया शेड्यूल, ये हो गया उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जो हम आर्मी एयरफोर्स नेवी में बोलते हैं जनरल ड्यूटी, जीडी बोलते हैं, जिसको जवान हम लूजली बोलते हैं, उनकी क्वालिफिकेशन अभी तक फिलहाल 10th क्लास है। ओके, किसी स्ट्रीम में हो जी। उसी में एक आता है टेक्निकल जी, जैसे हमारे मेडिकल कोर हो गए, इंजीनियरिंग सर्विसेज हो गई हैं, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस हो गए हैं, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियर्स हो गए हैं, इंजीनियर्स हो गए जो हमारे कंस्ट्रक्शन में काम आते हैं, ब्रिजेस काम बनाते हैं, माइंस लगाते हैं, इनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्लास 12th है विद साइंस एंड इंग्लिश, मैथमेटिक्स एंड साइंस जी। फिर एक है क्लरिकल ट्रेड जो होता है हमारा जी, वो भी क्लास 12 उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, और उसमें जो उनको साइंस और मैथ्स की जरूरत, इंग्लिश और इसकी गणित की जरूरत पड़ती है। इनके एज जो है 17 साल से लेकर के 23 साल है इनकी एज भर्ती होने के लिए जवानों के लिए, किसी कैटेगरी में 17 से 19 है, किसी में 17 से लेकर के 23 साल है जी। जब इनकी भर्ती की डेट आ जाती है और डिसाइड होता है कि किस जिले के भर्ती कहाँ पे हो रही है, तो उनका अलग प्रक्रिया होती है। और मैं पूरे दावे के साथ के बताना चाहता हूँ जो लोग सुन रहे हैं इसको, कि सेना की जो भर्ती है जी वो बिल्कुल मेरिट पे होती है, इसमें कोई ना रिजर्वेशन है ना इसके अंदर कोई किसी का दबाव होता है, प्रेशर होता है, और ये एक सिफारिश होती है जी। एक बहुत बड़ा भ्रम होता है जो खास करके सेना की भर्ती के लिए, कि इसमें जो है घूस चलता है और दलाल बहुत इसमें एक्टिव हैं जी। तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा अपने जो उम्मीदवार हैं कि किसी भी भ्रम में ना पड़े, ये सेना की भर्ती की प्रक्रिया जो है बिल्कुल पारदर्शी है। जब भर्ती होती है वहाँ पे तो उसकी पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग होती है और लोगों को आमंत्रित किया जाता है कि आप आके उसको देखें, प्रेस को भी आमंत्रित करते हैं कि आप आके उसको देखें, जिससे कि लोगों को मन में एक भरोसा हो कि यहाँ पे जो भर्ती हमारी। लेकिन फिर भी जो है ये जो दलाल एजेंट और जिनको हम बोले कि मन में एक भय होता है किसी भी उम्मीदवार को कि जिसको नौकरी मिलने जा रही है कि मैं उनको अप्रोच करूं, शायद उनको ना अप्रोच करूं तो मेरी मुझे नौकरी ना मिले जी। लेकिन पूरी भर्ती की प्रक्रिया जो है पारदर्शी है और ये मेरिट पे ही लोग इसके अंदर आते हैं जी। तो कर्नल साहब, जैसे कि आपने मुझे बताया कि इसमें जो है एक एज लिमिटेशन है और 10th जो है वो उसके लिए एक मिनिमम क्वालिफिकेशन रखा गया है, और अलग अलग डायरेक्टरेट के माध्यम से सैनिक भर्ती होती रहती है। मैं एक चीज जानना चाहूंगा, अलग अलग स्कूल्स कॉलेजेस में एनसीसी विंग जरूर होता है, तो एनसीसी को किस प्रकार से वरीयता दी जाती है? देखिए, एनसीसी की वरीयता एक तो सबसे बड़ी बात है कि एनसीसी की ट्रेनिंग बहुत महत्वपूर्ण ट्रेनिंग है जी, चाहे वो सेना में आए या ना आए। बिल्कुल, लेकिन एक अच्छे नागरिक बनने की उनको ट्रेनिंग दी जाती है जी, और किसी भी आपदा में वो काम आते हैं हमारे, इवन नॉर्मल ड्यूटी, नॉर्मल सिचुएशन के अंदर, चाहे ट्रैफिक कंट्रोल करना क्यों ना हो जिलों के अंदर, वो भी सब काम करते हैं एनसीसी। तो उनके अंदर एक भावना जरूर बनाई जाती है कि देश सेवा करने के लिए। एनसीसी में जो है 3 सर्टिफिकेट होते हैं, ए, बी और सी जी। जो बच्चे इस सर्टिफिकेट पास करते जाते हैं उनको सेना में भर्ती होने के लिए एक वरीयता मिलती है जी, उनको बोनस मार्क मिलते हैं इसके अंदर। ओके, जो बच्चे चाहे लड़के और लड़कियां हों, सी सर्टिफिकेट पास कर लेते हैं जी, उनको डायरेक्ट SSB इंटरव्यू कॉल आती है। ओके, तो उनको ये वरीयता दी हुई है। ओके, जो सी सर्टिफिकेट बच्चे पास होते हैं अगर सेना में जवान बनना चाहते हैं, तो उनके लिए सिर्फ फिजिकल टेस्ट होता है और रिटन टेस्ट उनके लिए माफ होता है। उनको 100% मार्क्स रिटन टेस्ट के मिल जाते हैं, उनको सिर्फ फिजिकल टेस्ट और मेडिकल देना पड़ता है। तो ये उनके लिए
एक तरीके से उनको रिजर्वेशन अब बोल सकते हैं कि वरीयता दी जी। कर्नल साहब, आगे आपको भविष्य मतलब डिफेंस एज अ करियर, क्योंकि हम करियर कोच पे हैं तो हम करियर की बात करेंगे, डिफेंस एज अ करियर, इसमें आपको फ्यूचर बच्चों का कैसा दिखता है? देखिए, जो डिफेंस का करियर है जी, पहली बात तो जब तक बच्चा इस करियर में आता नहीं है जी, तब तक उसको मालूम चलता नहीं कि हमने आगे करना क्या है। सही बात, क्योंकि पहले वो देखता है एज अ करियर जी, और बहुत ही कम ऐसी करियर होंगे देश के अंदर जहाँ पे कि आपको दसवीं पास को जो है आप एक करियर दे रहे हैं, नौकरी दे रहे हैं, तो सेना दे रही है ये दसवीं पास को। इवन बाहर किसी भी डिपार्टमेंट में आप देखें तो दसवीं पास की कोई महत्व नहीं है। ये जो करियर है, मैं आपके माध्यम से सबको बताना चाहूँगा कि एक बहुत ही जो है महत्वपूर्ण है, क्योंकि देश के काम आता है ये, और इसमें जो है चाहे वो जवान क्यों ना हो, जब जवान आते हैं तो उनको भी मौका मिलता है कि वो अफसर बने, बिल्कुल प्रमोशन का उनको मौका मिलता है और लोग बनते हैं, यहाँ तक कि जो जवान भर्ती हुए हैं आर्मी में लेफ्टिनेंट जनरल तक बनकर के रिटायर हुए हैं। अच्छा जी, जी हाँ, रिटायर हुए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इस जब सेवा में हम रहते हैं तो हमको बहुत सुकून मिलता है, क्योंकि इसमें हमारा कोई बाहर किसी का कोई इंटरफेरेंस नहीं है जी, ये टोटली जो है पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। सही बात, और सरकार की सेवा करते हैं, देश की सेवा करते जी, हैं जी। जो हमारे उच्च अधिकारी हैं हम उनकी बात को मानते हैं, क्योंकि हमने कसम खाई हुई होती है कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित जो भी कोई हमारा उच्च अधिकारी है उसके हम आदेशों का पालन करेंगे जी, जी। तो हम सिर्फ अपने उच्च अधिकारी को ही देखते हैं जी, जी। और इसमें बात यह है कि अगर हमने कोई अच्छा काम किया है जी, तो हमको उसका पुरस्कार जरूर मिलता है। बिल्कुल सही बात है, इसमें यह नहीं होता कि हमारे जवान ने अच्छा काम किया है तो उसका पुरस्कार जो है उसका सीनियर अधिकारी ले ले जी, और अगर गलत काम हुआ है तो उसको जिम्मेदारी जूनियर पर दे दे, ये नहीं होता है। जिम्मेदारी जरूर जो है अधिकारी लेते हैं, अगर कोई गलत काम होता है तो जी, उनकी कोई उनके अगर निर्णय से कोई काम गलत हो गया है तो जिम्मेदारी जरूर लेते हैं वो, और ऐसी अगर कोई निर्णय ले लिया जिसमें कोई क्षति होती है तो शायद हम जिंदगी भर उस चीज़ को कोसते रहते हैं अपने आप को कि शायद मैंने वैसा निर्णय ना लिया होता तो आज ऐसी परिस्थिति नहीं होती। ईमानदारी, और अगर हम देखें तो इसमें ये जरूर है कि मैं कहना चाहूँगा कि हर कोई जब फौज वाला फौजी होता है बाहर जब कोई उससे मिलता है तो एक इज्जत से जरूर उसको देखता है। सही बात, सही बात, चाहे उसके पास रिटायरमेंट के पास अपने संसाधन इतने ना हो जिसके उसके भाई भतीजों औरों के पास होगा जी, लेकिन ये जरूर कहा जाता है कि ये फौजी है और इसने अपनी मेहनत से जो है कमाई की है। सही बात, उसके साथ साथ मैं आपको जरूरी बताना चाहूँगा कि जो फौजी हैं जी सिर्फ अपना करियर नहीं देखता है, उसके लाइफ टाइम में उसके जो बच्चे होते हैं जी उनको भी बहुत मौका मिलता है देश देखने का, जगह जगह घूमने का जी, और उनका जो विजन होता है जी वो बहुत ब्रॉड हो जाता है। सही बात, सही बात, तो उनको भी आगे अपने करियर में कहीं और जाने के लिए जो है एक बहुत बड़ा चांस आर्मी देती है ये जी। तो दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया कर्नल साहब, आपको हमारे स्टूडियो में आके हमारे दर्शकों को डिफेंस एज अ लाइन ऑफ करियर इसके बारे में जानकारी देने के लिए। कर्नल साहब, आपसे फिर से मुलाकात होगी, एक बार फिर हम आपसे जानकारी लेंगे डिफेंस और अन्य क्षेत्रों में किस प्रकार के डिफेंस के लोग अपना योगदान देते रहते हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो दोस्तों हम लोग बात कर रहे थे कर्नल राजवीर यादव जी से, जो कि सेना मेडल एवं विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त है। हमने उनसे जाना कि आर्मी में जाने के लिए मन में वो डर काटने के लिए, वो जज्बा पैदा करने के लिए, वो आग पैदा करने के लिए सोच कैसी चाहिए, वो ट्रेनिंग कैसी चाहिए। लेकिन आइए अब हम बात करेंगे कि आर्मी में प्रवेश होने के लिए आखिर वो दायरे कौन से हैं, वो गेट कौन से हैं, वो दरवाजे कौन से हैं जिनको खटखटाना हर एक नौजवान जो आर्मी में जाना चाहता है उनको जानना जरूरी है। तो आइए आगे हम चलते हैं एक एनडी अकेडमी के पास, जहां पे हम जानेंगे कि एंट्री लेवल कैसे होती है।
बहादुरी से हर मुश्किलों का सामना करेंगे हम, हमें कोई हरा सके ऐसा किसी में नहीं है दम। कुछ ऐसी ही भावना हमारे देश के जांबाज सिपाही भी रखते हैं, जिनके शौर्य, वीरता व बहादुरी के जज्बे को आज हम सभी सलाम करते हैं। जिनकी देशभक्ति, देश पर मर मिटने का जुनून, कुछ कर गुजरने का अदम्य साहस प्रत्येक भारतीय के मन में एक नया जोश और जुनून भर देता है। हमारे देश की सेना मूल रूप से तीन भागों में बटी हुई है, थल सेना, नौसेना, वायुसेना। भारत सरकार अपने इन रक्षा बलों के साथ भारत की तथा इसके प्रत्येक भाग की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी है। भारतीय सेना शस्त्र सेनाओं को सर्वोच्च कमान भारत के राष्ट्रपति के पास होता है। राष्ट्र की रक्षा का दायित्व मंत्रिमंडल के पास रहता है, जिसे हम रक्षा मंत्रालय कहते हैं। इसके निर्वाहन सशस्त्र बलों को देश की रक्षा के संदर्भ में उनके दायित्व के निर्वाहन के हेतु एक नीतिगत रूपरेखा और जानकारियां देने का पूरा काम एक नीतिगत तरीके से रक्षा मंत्रालय करती आ रही है। लेकिन दोस्तों, जब हम इसी तरीके से जब हम सशस्त्र बलों की बात करते हैं, हम अपने डिफेंस की बात करते हैं, तो हम लोग जानना जरूरी होता है कि बेसिकली इसमें हम एंट्री कैसे लें, कैसे हम शुरुआती दिशा में पढ़ें। हम लोग आज तक जानते थे कि सिर्फ और सिर्फ एनडीए की तैयारी करना शुरू कर देते हैं या हम लोग सीडीएस का नाम जाते हैं। क्या और भी चीजें हैं, क्या और भी एंट्री लेवल्स हो सकती हैं? लड़कियों के लिए विशेषकर हमने सुना है कि अभी रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर एक रेजिमेंट बना है, तो आखिर लड़कियों के लिए भी जो ये आयाम जो निकला है, तो उसका हम किस प्रकार से उपयोग करके, किस रास्ते से जल के हम वहां तक पहुंच सकते हैं? इन्हीं सब कुछ प्रश्नों को जानने के लिए आज हमने स्टूडियो में बुलाया है श्री शिवम शुक्ला जी को, जो कि शील्ड डिफेंस एकेडमी के फाउंडर डायरेक्टर हैं। शिवम जी, प्राइम टीवी के स्टूडियो पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। शिवम जी, मैं पहले जानना चाहूंगा कि जब हम डिफेंस की बात करते हैं, उसकी एंट्री लेवल की बात करते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ दिमाग में बातें आती हैं एनडीए, एसएसबी, सीडीएस, उसके बाद हम रुक जाते हैं। लेकिन मैं और जानना चाहूंगा आपसे थोड़ा सा, अगर आप और गहराई से हमें बताएं कि कौन कौन से रास्ते होते हैं, किस प्रकार से बच्चे तैयारी कर सकते हैं। आप एक डिफेंस एकेडमी चला रहे हैं, तो बेसिकली उनकी तैयारी होनी कैसी चाहिए? सबसे पहले मैं आपको और प्राइम टीवी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आज प्राइम टीवी और शुभंकर सर की लाइक इस मोटिवेशन से लाइक आज मैं इस भारत देश के उज्जवल भविष्य यानी युवाओं एवं सभी देशवासियों से मैं अपने विचारों एवं अनुभवों को व्यक्त कर सकता हूं। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। और सबसे पहले मैं आप सभी को, सभी भारतवासियों को अपने 75वें स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। एंड अगर हम जैसे आज बात कर रहे हैं कि डिफेंस की अगर हम बात करें और डिफेंस में एंट्रीज की हम बात करें, तो यहाँ पे बहुत वेरियस एंट्री हैं कि जिनके थ्रू हम अपने करियर को डिफेंस में बना सकते हैं। हम अपने लाइक एज एन ऑफिसर रिकमेंडेशन ले सकते हैं, या हम बात करें पर्टिकुलर लाइक एज अ सोल्जर हम रिकमेंडेशन ले सकते हैं। तो इसके लिए बहुत सारे कोर्सेज है गाइस, और अगर हम इन कोर्सेज की बात करेंगे सर, तो इसमें लाइक जैसे आपने मुझे बताया कि सबसे पहले एनडीए या सीडीएस, तो ये बेसिक कोर्स है जो ज़्यादातर बच्चों को लाइक ये कोर्सेज हम कह सकते हैं कि बहुत फेमस कोर्सेज होते हैं। इनके अलावा भी बहुत सारी एंट्रीज हैं जिनके बारे में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस की थोड़ी सी अभी यहाँ पे कमी हम महसूस कर पा रहे हैं। तो इसके लिए अगर हम बात करेंगे, 12th अपीयरिंग से ही कैंडिडेट लाइक अपने करियर को एज एन ऑफिसर या एज अ सोल्जर डिफेंस में लाइक वो करियर बना सकते हैं। जिसके लिए अगर हम बात करेंगे अगर एज एन ऑफिसर के लिए, तो एनडीए सबसे पर्टिकुलर एक लाइक कोर्स है जिसके थ्रू एनडीए के थ्रू लाइक आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स किसी भी विंग में सीधे क्लास वन ऑफिसर बन सकते हैं। इसके लिए केवल मेल कैंडिडेट्स जो लाइक उनकी जो एज होनी चाहिए वो 16.5 to 19.5 के बिटवीन होनी चाहिए, जिसके थ्रू वो लाइक 12th अपीयरिंग में ही एनडीए का फॉर्म फिल किया जा सकता है। और उसके उसके लिए 4 साल की प्री प्रॉपर ट्रेनिंग होती है। एंड इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो 12th पास जब कर लेते हैं तो TESB एक होता है जो कि डायरेक्ट SSB इंटरव्यू है। एक्चुअली जो एनडीए होता है इसमें दो टेस्ट लाइक एग्जाम्स को क्वालिफाई करना होता है कैंडिडेट्स को। इसमें लाइक एक आपका रिटर्न एग्जाम होगा, एंड रिटर्न एग्जाम जो भी कैंडिडेट्स पास कर लेते हैं उन्हें फिर SSB इंटरव्यू से गुजरना होता है।
SSB इंटरव्यू सर्विस सिलेक्शन बोर्ड है, मैं इसके बारे में थोड़ा सा आप सभी को जरूर बताना चाहूंगा। सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, लेकिन अगर फौज में किसी को भी ऑफिसर बनना है तो उसके लिए सर्विस सिलेक्शन बोर्ड से आपको गुजरना पड़ेगा। ये प्रॉपर 5 डेज का SSB इंटरव्यू होता है, जिसमें लाइक 3 टाइप से असेसमेंट आपका किया जाता है कैंडिडेट्स का। इसमें पर्सनल इंटरव्यू होता है एंड लाइक साइकोलॉजी टेस्ट होगा और GTO टास्क होते हैं। तो GTO लाइक ग्राउंड टास्क भी हम इसको बोल सकते हैं या फिर ग्रुप टास्क ऑब्स्टिकल्स भी बोल सकते हैं। तो ये 3 तरीके से वहाँ पे असेसमेंट किया जाता है। एंड अगर हम जब SSB इंटरव्यू को क्वालिफाई कर लेते हैं कैंडिडेट्स, उसके बाद लाइक इसमें एक छोटा सा मेडिकल टेस्ट होगा एंड फिर फाइनल मेरिट लिस्ट आती है, देन फिर बच्चों को ट्रेनिंग में जाना होता है। और इसकी ट्रेनिंग सबसे पहले NDA खड़गवासला में होती है, जो कि आपका पुणे में है। एंड अगर हम बात करते हैं डायरेक्ट SSB इंटरव्यू के लिए, तो TES होता है, टेक्निकल एंट्री स्कीम, जिसके लिए ये भी मेल कैंडिडेट्स के लिए है, जिसमें 12th में PCM होना जरूरी है, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स, एंड उसमें 75% मार्क्स होने चाहिए। एंड साथ ही साथ इसमें बहुत ज़रूरी चीज़ अभी जल्द ही एड ऑन हुई है, जिसमें लाइक आपको IIT JEE का जो एग्ज़ाम होता है उसका मेंस एटलीस्ट क्वालिफाइड होना चाहिए। अच्छा। ये अभी रिसेंटली ऐड हुआ है। okay. जी सर। एंड ये हम 12th की बात कर सकते हैं। एंड इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि लाइक गर्ल्स के लिए पर्टिकुलर, क्योंकि गर्ल्स में हम ये देख रहे हैं कहीं ना वो लाइक हमारे भारत देश की जो वीरांगनाएं हैं, जो हमारी गर्ल्स हैं, वो खुद भी फौज में अपना करियर बनाना चाहती है, बट लैक ऑफ अवेयरनेस के वजह से लाइक वो वहां पे नहीं कर पाते, उन्हें इसके बारे में नहीं पता होता है। तो आज मैं आपके माध्यम से जरूर आप सभी को बताना चाहूंगा कि इसके लिए MNS एक कोर्स होता है, मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज। इसके थ्रू लाइक आपको MNS का एक रिटन एग्जाम देना होता है, देन फिर फिजिकल एंड आपका एक इंटरव्यू सेक्शन होता है, उसके बाद फिर मेडिकल रहेगा, एंड देन फिर इसके थ्रू लाइक आपका BSc नर्सिंग कराया जाता है। उसके थ्रू भी आप फौज में अपना करियर बना सकती हैं, गर्ल्स के लिए। अच्छा, होता है ये। जी हाँ सर। एंड लेकिन जो इन्फेंट्री की जब बात आती है, जी, तो जब ये रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट बना, जी हाँ, तो वो बेसिकली इसीलिए बनाया गया था ताकि लड़कियों को भी इंक्लूड किया जा सके, तो फिर उनके लिए रास्ता क्या बन पाता है इन्फेंट्री के लिए? सर देखिए, इसमें बेसिक हम ये कह सकते हैं कि MNS तो नर्सिंग सर्विसेज के जी, लिए हो बिल्कुल, बिल्कुल। इसके अलावा फिर ग्रेजुएशन लेवल पे एग्जाम्स होते हैं। ओके, ग्रेजुएशन लेवल एज एन ऑफिसर की मैं बात कर रहा हूँ, तो ग्रेजुएशन के आफ्टर ग्रेजुएशन या अपीयरिंग ग्रेजुएशन, लास्ट ईयर अपीयरिंग जब होते हैं ग्रेजुएशन में, तो CDS के थ्रू भी गर्ल्स एज एन ऑफिसर रिकमेंडेशन ले सकती हैं, ओनली इंडियन आर्मी में। एंड अगर हम बात करते हैं FCAT भी एक कोर्स होता है, एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट, जिसके थ्रू गर्ल्स, मैं अभी हम बात कर रहे हैं पर्टिकुलर गर्ल्स की, एक्चुअली CDS और FCAT के थ्रू मेल एंड फीमेल बोथ कैंडिडेट कर सकते हैं, लेकिन NDA में सिर्फ मेल का होता है, मेल कैंडिडेट्स। ओके, तो गर्ल्स के लिए INET है एंड लाइक आपका साथ में FCAT है, CDS है एंड JAG एंट्री है एंड जज एडवोकेट जनरल होता है। इसके थ्रू लाइक फीमेल कैंडिडेट डायरेक्ट SSB इंटरव्यू दे सकती हैं और उसे लाइक जज एडवोकेट जनरल, जैसे कि अपने नेम की क्लियर है, जुडिशरी एक सेक्शन होता है आपका, तो उसमें जा सकते हैं। अच्छा, एक AFXY के बारे में हम लोग सुनते आते हैं, ये क्या है? सर देखिए, बेसिकली AFOs एक्स एंड वाई ग्रुप बोलते हैं इसको हम लोग। अच्छा। एक्स ग्रुप टेक्निकल ग्रुप होता है एंड वाई ग्रुप नॉन टेक्निकल है। ओके। इसके थ्रू मेल कैंडिडेट्स जो 12th पास होते हैं एंड इनकी जो एज होनी चाहिए वो 17-21 के बिटवीन होनी चाहिए। जी। मैं जितने भी एग्जाम्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, इसमें पर्टिकुलर एक एलिजिबिलिटी होती है, एज क्राइटेरिया होता है, क्वालिफिकेशन होती है इसमें एक एलिजिबिलिटी, तो ये एज क्राइटेरिया एंड एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही बच्चे इस पे फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें AFOs एक्स एंड वाई ग्रुप की, तो ये 12th पास होते हैं इसमें कैंडिडेट्स एंड 50% मार्क्स होने चाहिए। एक्स ग्रुप के लिए PCM जरूरी है, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स, एंड ये ट्वाइस इन अ ईयर होता है एग्जाम, साथ में NDA, CDS, FCAT जो एज एन ऑफिसर बच्चे रिकमेंडेशन ले सकते हैं, वो भी ट्वाइस इन अ ईयर होते हैं एग्जाम। ओके जी। अच्छा, जब एक बच्चा इंटर तक पहुंचता है, तब तक ऑलरेडी बच्चा डिसाइड कर चुका होता है कि उसको बेसिकली NDA करना है या उसे किस स्ट्रीम में जाना है, उसे डिफेंस में जाना है या मेडिकल करना है या इंजीनियरिंग करनी है, वो बच्चा तय कर चुका होता है। बिल्कुल। लेकिन मैं एक चीज जानना चाहूंगा, एक बच्चा कैसे करके सोचे कि उसे SSB के तहत आगे बढ़ना चाहिए, उसे NDA के तहत बढ़ना चाहिए, उसे CDS करना चाहिए, इसके लिए वो कैसे प्रिपरेशन करे और ये माइंडसेट कैसे बनाए? बिल्कुल। देखिए, इसके लिए अगर हम बात करें तो इसमें कैंडिडेट्स को आजकल के हमारे भारत देश के जो
आज की जनरेशन है वो बहुत इंटेलेक्चुअल है और बच्चों को उसके बारे में लाइक स्टार्टिंग से ही, आज अगर हम छोटे लाइक 5 साल के बच्चे की भी बात करें देन उन्हें भी पता होता है कि वो पहले से ही स्टार्ट कर देते हैं मुझे ये बनना है मुझे वो बनना है। तो आजकल क्या हो रहा है कि पेरेंट्स अब बच्चों पे कहीं ना कहीं अब थोप नहीं रहे हैं चीजों जी, को जी, सही बात भी है। अवेयर हो रहे हैं इन चीजों से, जैसे कि पहले देखा जा रहा था कि अगर आपने 12th में PCM लिया है तो देन आप इंजीनियरिंग के लिए जा रहे हैं, अगर आप बायोलॉजी सेक्शन से हैं देन आप फिर डॉक्टरेट उसके लिए जा रहे हैं। तो अभी ऐसा नहीं है, अभी गार्जियंस लाइक बच्चों को अलाउड कर रहे हैं कि हाँ भाई आप जहाँ पे भी जाना चाह रहे हैं जो भी आपकी इच्छा है आप वहाँ जा सकते हैं। तो इसके लिए अगर हम डिफेंस की बात करेंगे या किसी भी पर्टिकुलर हम बात करें, अगर लाइक आज हम करियर के ऊपर बात कर रहे हैं, तो कभी भी कैंडिडेट्स को जब अपना किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बैठना है उसके लिए हमें 6th स्टैंडर्ड में जब कैंडिडेट है बच्चा है तो वहीं से उन्हें प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर देनी चाहिए। एंड इससे बहुत बेनिफिट होता है बिकॉज आज के जो भी आपके लाइक अगर हम डिफेंस की बात करें NDA एयरफोर्स XY ग्रुप नेवी SSR NAA या MNS की बात करते हैं तो इसमें जो 12th स्टैंडर्ड के एग्जाम्स होते हैं इसमें जो भी आपने 6th to 12th आपने पढ़ रखा है बिल्कुल वही सारे सब्जेक्ट्स आते हैं, क्वेश्चंस का लेवल भी वही होता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स जो होते हैं हमारे वन डे एग्जाम्स होते हैं। एंड अब अगर इसकी हम बात करेंगे इसमें ग्रेजुएशन लेवल की तो वहाँ पे 10th स्टैंडर्ड के ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा कि जानना कि जो आप लोग की जो प्रिपरेशन कराते हैं चाहे वो NDA के हो SSB के हो तो इसकी सिलेबस कैसे डिजाइन करते हैं, किस प्रकार से उसकी तैयारी होती है, क्योंकि इसमें फिजिकल भी एक बहुत बड़ा सेक्शन है तो उसके लिए तो आपको बहुत जगह भी चाहिए है उसको, तो थोड़ा सा मुझे बताइएगा कि इसकी प्रिपरेशन के लिए भाई एज एन एकेडमी आप लोग क्या प्रिपरेशन करते हैं और बच्चों को कैसे आप बताते हैं कि उसके लिए कैसे तैयारी रखें। देखिए सर इसके लिए अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो इसमें रिटर्न एग्जाम होता है जी, तो रिटर्न एग्जाम के लिए कैंडिडेट्स को 6th स्टैंडर्ड से ही प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहिए जैसे कि अच्छा। मैंने बताया आपको ओके। तो इसमें क्या है बिकॉज आप जो 6th to 12th पढ़ रहे हैं वही सारे सब्जेक्ट्स आपको वहाँ पे पूछे जा रहे हैं बिल्कुल, एंड वही ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट्स है, मैथ्स है, इंग्लिश है, GS है, ये सारे सब्जेक्ट्स रहेंगे। एंड इसके बाद अगर हम बात करते हैं पर्टिकुलर की एग्जाम में आता क्या क्या है तो इसमें लाइक जो सिलेक्शन प्रोसीजर है या सिलेक्शन प्रोसेस है वो यही है कि पहले आपको रिटन एग्जाम देना है देन उसके बाद फिर आपको SSB इंटरव्यू, अगर आप एज एन ऑफिसर एंट्रीज आप जा रहे हैं तो आपको SSB इंटरव्यू से गुजरना पड़ता है जिसमें लाइक मैंने आपको GTO टास्क के बारे में अभी आपने जो फिजिकल की आपने जो बात की है यहाँ पे ग्राउंड टास्क ऑब्स्टिकल्स बोलते हैं सर उसे राइट राइट लाइक यहाँ पे बहुत सारे कुछ ऑब्स्टिकल्स होते हैं कुछ टास्क होते हैं जो ग्रुप टास्क भी होते हैं कुछ कमांड टास्क होते हैं इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स होते हैं right. जिनके लिए हम प्रॉपर यहाँ पे जो पहले ऑफिसर्स जो एज एन ऑफिसर सर्व कर चुके हैं इंडियन आर्म फोर्सेस एंड जो खुद पहले SSB बोर्ड में सर्व कर चुके हैं वो ऑफिसर्स यहाँ पे बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं ओके। एंड GTO ऑफिसर है लाइक जैसे अगर आप हमारे लिए अगर हम अपनी पर्टिकुलर बात करें तो यहाँ पे कर्नल मनोज मिश्रा सर है जो एक्स GTO ऑफिसर रह चुके हैं SSB बोर्ड में वो GTO के लिए ट्रेनिंग दे रहे हैं बच्चों को। एंड विंग कमांडर मुकेश तिवारी सर है वो भी रिटायर्ड ऑफिसर है वो लाइक बच्चों को साइकोलॉजी एंड पर्सनल इंटरव्यू के लिए वो देख रहे हैं राइट। एंड अगर हम बात करेंगे लाइक तो ये कि अलग अलग टाइम फ्रेम है जैसे SSB के लिए अलग टाइम फ्रेम NDA के लिए अलग टाइम फ्रेम NDA पर्टिकुलर एक को लाइक एक एकेडमी है नेशनल मैं प्रिपरेटरी की बात कर रहा हूँ मैं प्रिपरेशन की बात कर रहा हूँ हाँ मैं उसी की बात कर रहा हूँ सर NDA एक लाइक ये कोई कोर्स नहीं हम इसे कहेंगे एक एग्जाम होता है NDA नेशनल डिफेंस एकेडमी राष्ट्रीय रक्षा अकादमी है जहाँ पे बच्चे ट्रेनिंग लेते हैं ऑफिसर बनने के लिए इंडियन आर्म फोर्सेस में तो इसमें लाइक इसके एग्जाम्स सेगमेंट बटे हुए होते हैं लाइक जैसे NDA में अगर आप जा रहे हैं तो पहले रिटन एग्जाम देंगे फिर SSB इंटरव्यू होगा एंड इसके बाद अगर आप बात करते हैं एक्स एंड वाई ग्रुप वगैरह की या लाइक आप बात करते हैं CDS के लिए तो इसमें भी आपको पहले रिटन देना होगा फिर SSB इंटरव्यू से गुजरना होगा एज एन ऑफिसर एग्जाम्स में एंड फिर उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होता है बच्चों का देन फिर फाइनल मेरिट लिस्ट आती है। तो इसमें हम फिजिकल एंड रिटन एग्जाम दोनों के लिए कैंडिडेट्स को इसमें तैयार होना पड़ता है। तो इसका इसको अप्लाई कब करना पड़ेगा सर? देखिए अगर बच्चा 12th अपीयरिंग है तो लाइक वो NDA के लिए फीमेल मेल कैंडिडेट मेल कैंडिडेट अगर 12th अपीयरिंग में है तो वो NDA के लिए पर्टिकुलर एग्जाम दे सकते हैं। शिवम जी अभी तक आप बता रहे थे कि क्योंकि जब ट्रेनिंग होता है उसमें
फिजिकल एक्टिविटीज़ के लिए उसकी एक तैयारी अलग होती है और उसके लिए आप लोगों ने एक जगह निर्धारित कर रखा है और उसमें काफ़ी अच्छी खासी आप लोग ट्रेनिंग कराते हैं, तभी तो बच्चा प्रिपेयर कर पाएगा। तो मैं जानना चाहूँगा क्या इसके लिए एक कोई बेसिक फिजिकल स्टैंडर्ड्स हैं कुछ जिसको आप लोग देखते हैं कुछ ऐसा है? हाँ जी सर बिल्कुल, इसमें देखिए अलग अलग एग्जाम्स में अलग अलग फिजिकल स्टैंडर्ड होते जी, हैं जी। एक अगर आप पर्टिकुलर ऐसे तो बहुत सारे एग्जाम्स हैं तो हम इस शो के माध्यम से सारे एग्जाम्स के बारे में बात करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि कहीं ना कहीं टाइम मैनेजमेंट भी हमें देख के चलना होता है सर। तो अगर हम बात करेंगे एनडीए की तो जैसे इसमें अगर हम हाइट की बात करें तो 157 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, आई साइड आपकी 6x6 होनी चाहिए एंड फिर आपकी हाइट और एज के अकॉर्डिंग आपका वेट होना चाहिए एंड आपकी नॉकनी नहीं होनी चाहिए, फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए एंड लाइक इसमें टैटू वगैरह जो आप कई बार कैंडिडेट्स लाइक बनवा लेते हैं तो वो टैटू अलाउड नहीं है फौज में। जी हाँ जी हाँ, इसको भी हमें ध्यान देना होता है। तो ये फिजिकल स्टैंडर्ड है सर एंड इन्हें आप फिजिकल स्टैंडर्ड की अगर आप बात करते हैं तो ये तो बेसिकली मेडिकल में चीजें और फिजिकल देखते हैं, लेकिन इसमें बहुत सारे टेस्ट होते हैं। लाइक फिजिकल में अगर आप जैसे एयरफोर्स एक्शन वही ग्रुप सोल्जर एंट्री की बात करेंगे तो इसमें रनिंग भी होती है, आपको पुशअप्स भी लगाना है एंड रनिंग भी रेस भी क्वालिफाई करनी है। तो ऐसे बहुत सारे चीजें होती हैं, फिजिकल एक्टिविटीज होती हैं जिन्हें बच्चों को क्वालिफाई करना होता है सर। राइट, तो शिवम जी बहुत बहुत धन्यवाद प्राइम टीवी के स्टूडियो पे आने के लिए और आपने हमारे दर्शकों को इतनी सारी जानकारी दी कि किस प्रकार से वो अपने बच्चों को एक दिशा दे सकते हैं कि जब वो एनडीए और सीडीएस की तैयारी करें। आपको वो बेसिक बातें क्या याद रखनी पड़ेंगी, वो तैयारियां क्या करनी पड़ेंगी, जैसे कि शिवम जी ने बताया कि एक्चुअली देखा जाए तो 6 से ही शुरुआत हो जानी चाहिए। अगर पहले से आप अगर धारणा कर लेते हैं, पहले से मन बना लेते हैं तो बहुत आसानी होती है प्रिपरेशन करने में। तो दोस्तों अगर इस चर्चा को हम ज़्यादा देर तक ले जाएं तो शायद कोई समय की सीमा नहीं रहेगी, लेकिन इतने से सीमा में इतनी खूबसूरती से सजा के आज शिवम जी ने आपके सामने इस पूरी बात को रखा कि एक्चुअली जब हम डिफेंस को अपने करियर अपॉर्चुनिटी के हिसाब से लेते हैं तो हमारी प्रिपरेशंस कैसी होनी चाहिए। हमारी कोशिश ऐसी जारी रहेगी कि हम आप तक एक ना एक अपॉर्चुनिटी पहुंचाते रहें और बताते रहें कि उसकी तैयारी कैसी होंगी, आपके बच्चे अपने किस तरीके से माइंडसेट को तैयार करें, माइंड फ्रेम बनाएं और कैसे करके उसके लिए तैयारी करें। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी एक छोटी सी जानकारी जो हम आप तक पहुँचाना चाह रहे थे कि एनडीए और डिफेंस और सीडीएस एसएसबी ये जो तमाम तैयारियां हैं इसको हम कैसे करके तैयार करें, बच्चों का माइंडसेट कैसे करके तैयार करें और किस प्रकार से एक मजबूत देश, एक मजबूत सेना बनाने में हमारा रोल कैसे करके हम और ज़्यादा मजबूत कर सकते हैं। तो धन्यवाद, थैंक यू।